तो आप लोग हमें बताइए, एक तालाब में 10 मछलियां थी, उसमें से एक मर गई, तो तालाब का पानी ऊपर आ गया, कैसे? नहीं पता। एक मछली मरी तो बाकी की 9 रोई, जब बाकी की 9 रोएंगी तो पानी तो बढ़ेगा ही ना। देखो बेटा, हम पिताजी नहीं, हम जहाँ पना है, जहाँ पना पिताजी, जहाँ पना पिताजी। नहीं नहीं, हमारे कहने का मतलब है कि हम मुगल शहंशाह हैं। मुगल शहंशाह पिताजी, मुगल शहंशाह पिताजी। अरे कौन से पिताजी, किसके पिताजी? आप पिताजी, हमारे पिताजी। आपसे किसने कहा कि हम आपके पिताजी हैं? हमारी माँ ने। क्या? हमारी एक और अम्मी है और हमारा छोटा भाई भी है और हमें पता भी नहीं। ये क्या किया आपने अब्बा हुजूर, इतना बड़ा शाही झोल। फूफू, हमें भी आपसे ये उम्मीद नहीं थी, अगर फूफी को पता चला तो जनाजा उठा समझो। नानी साहिबा का? आपका। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर। प्यारा सा बच्चा कौन है? अरे यही तो मुसीबत है, हमें पता नहीं ये कौन है, लेकिन हमें अपना बाप बता रहा है। पिताजी, पिताजी। जा बना। बेटा, बेटा यहाँ आओ हमारे साथ, इधर बैठ, हम आपको समझाते। ये जो है ये जापना है, ये सबसे बड़े बादशाह, ये इस महल के मालिक हैं, हम सब के मालिक हैं, इस राज्य के मालिक हैं, ये किसी के बाप कैसे हो सकते हैं? है? हमारा मतलब है कि ये आपके बाप नहीं हो सकते। क्या ये हमारे पिताजी नहीं है? नहीं बेटा, ये आपके पिताजी नहीं। अरे बेटा, हम भी आपके पिताजी नहीं। आप भी हमारे पिताजी नहीं हैं। नहीं बेटा, हम भी आपके पिताजी नहीं। तो आप होंगे पिताजी, पिताजी। मैं पिताजी हूँ। देखा फूफू, आप कहते थे ना कि सलीम भाई साहब कभी कुछ नहीं बन सकते, सीधा बाप ही बनकर दिखा दिया इन्होंने तो। वाह सलीम भाई साहब, कुछ तो बनकर दिखाया आपने, मुबारक हो, मुबारक। अरे हाँ, क्या मुबारक, लूट मची है क्या बापों की? अरे बेटा, हम किसी के पिताजी पिताजी नहीं हैं। आप भी हमारे पिताजी नहीं हैं? नहीं, हम नहीं हैं आपके पिताजी। तो खबरदार, हमारी तरफ तो देखना भी मत। अरे फूफू, ये तो गले ही पड़ गया, सबसे मिल रहा था, मेरे गले पड़ गया, उतारा हो सलीम भाई साहब। सुनो 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 सुनो, बेटा बेटा इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। एक बात बताओ कि आपका नाम क्या है और आप इस महल में हर किसी को पिताजी पिताजी क्यों बोल रहे हो? लोगों ने माँ से कहा कि आप मर रही है, अब तो कभी को उसके पिताजी के बारे में बता दो। हाँ तो माँ ने पिताजी का नाम बताया? बताया ना। क्या बताया? केला। केला? ये कैसा नाम हुआ? अरे नहीं नहीं, ये जो सामने पड़ा हुआ केला है ना, हमने खाया है, बहुत बुरा लगा। तो मत खाओ। अरे नहीं नहीं, केला तो हमें अच्छा लगा, पर माँ ने जो हमसे पिताजी के बारे में बताया वो बहुत बुरा लगा। क्या बताया? यही कि हमारे पिताजी परदेशी थे, उन्होंने हमारी माँ से चुपचाप एक मंदिर में शादी कर ली, फिर कुछ दिन बाद पिताजी माँ के साथ रहने के बाद एक रात उनको छोड़कर चले गए और फिर कभी लौट कर नहीं आए। उफ, हद होती है धोखेबाजी और मक्कारी की, इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा जुल्म। बेटा कबीर, उसका नाम बताओ, उसका नाम बताओ, हम उसे नहीं पता।
माँ पिताजी का नाम बताने से पहले ही छोड़कर चली गई, अकेला हमेशा के लिए। दिल छोटा मत करो बेटा, हम हैं ना, हमें अपनी माँ समझो। हाँ बेटा कबीर, एक बात बताइए, आप अपने पिताजी को ढूंढने हमारे इस राजमहल में क्यों आए? आपके पिताजी तो कहीं भी हो सकते हैं। पिताजी यही है, इस मुगल महल में। माँ ने मरने से पहले बताया था कि पिताजी यही हैं। तो बेटा आपके कहने का मतलब है कि इस महल में जितने भी मर्द हैं उनमें से कोई भी आपके पिताजी हो सकते हैं। जापाना कबीर ने हमें बताया कि उसने अपने पिताजी को कभी देखा ही नहीं और उसकी माँ मर चुकी है। कबीर ने और क्या क्या बताया बीरबल, हमें जरा विस्तार से बताइए। जापाना बीरबल, पता लगाना होगा, पता लगाइए कौन है ये बाप, कौन है ये बेगैरत और धोखेबाज बाप जिसने कबीर के साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी की है। तब तक ये बाप हमें नहीं मिल जाता, हम चैन की सांस नहीं लेंगे। आप पता लगाइए बीरबल, पता लगाइए। एक बार हमें ये बाप मिल जाए तो इस कमजर्फ का हम सर कलम करवा देंगे। कौन हो सकता है ये कबीर का बाप? जापना हम कह नहीं रहे हैं आपसे, हम खाली पूछ रहे हैं कौन हो सकता है। क्यों घबरा रहे हो इतना, तुमसे थोड़ी ना कह रहे हैं, कौन हो सकता है बीरबल? जापना, कबीर के बाप का पता हम लगा कर रहे हैं। दही के बगल में जो भिंडी है वो जरा हमें दीजिए। दही इसे चाहिए, दही इसे दे दीजिए, हम भिंडी खाएंगे। हमें भी भिंडी चाहिए। पर आपको तो दही पसंद है खाने के साथ। हाँ लेकिन आज दही खाने का मन नहीं करा, भिंडी दे दीजिए, हम दोनों को ही दे दीजिए भिंडी। भिंडी खाओगे ना बेटा? खाओ खाओ। भिंडी कैसी बनी है? थोड़ा गरम मसाला ज्यादा होता तो। हमारा खाना हो गया, हमारा भी हो गया। हमें पानी चाहिए। हमें भी चाहिए। अब बेटा चलो, आपकी सोने का समय हो गया ना। हम भी थोड़ा बाहर टहल वहल कराते हैं। कुछ साल पहले आप पहाड़ों पे गए थे ना, जनता का हालचाल जानने। वहाँ प्राकृतिक आपदा आई थी। आई थी तो? तो कहीं ये बच्चा आपकी जाति प्राकृतिक आपदा का नतीजा तो नहीं है? बांसुरी, कभी इसे मत भाग, गिर जाएगा। बच्चा, तुझे कहीं लगी तो नहीं ना? मैंने कहा था मैं इसे भागती नहीं है, क्यों भागा? ये कैसी दासी आप? हाँ, एक बच्चे का ध्यान नहीं रख सकती? अगर उसे कुछ हो जाता तो? कीजिए बाबू, मेरा हाथ छोड़कर भाग गया। कोई बात नहीं, होता है, चोट तो नहीं आई बेटा आपको? ये बताइए कि आप कबीर को लेके कहाँ जा रही थी? सुलाने के लिए। सुलाना इसे बाद में, अभी हम कबीर के साथ कुछ देर बातें करें, ठीक है? चलिए। छोड़िए, हाथ छोड़िए बच्चे का, हम कबीर से बातें करें। चलिए हम आपको अच्छी सी मिठाई खिलाते हैं। आइए।
पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर।